सो फाइनली गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है वीवो का, और ये है वीवो का Y11 मॉडल, और इसके अंदर लगा है पासवर्ड FRP लॉक। तो कैसे इसको अनलॉक करेंगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीवो का भी जितने भी फ़ोन लॉन्च हुए हैं, जिसमें से पुराने वाले भी फ़ोन हैं, उन सब में ही वीवो ने अपना सिक्योरिटी डाल दिया, जिसकी वजह से पहले हम जिसे हम आसानी से अनलॉक कर पा रहे थे वो अभी अनलॉक नहीं हो रहे हैं। और सबसे खास बात है कि पुराने पुराने फ़ोनों में भी सिक्योरिटी अपडेट ला दिया है, जिसकी वजह से वीवो के लगभग सारे ही फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहे थे। फिर बाद में टूल ने अपना एक नया लाया लॉन्च किया और उसके वजह से मतलब अब अनलॉक होने लगे। तो अभी हम वीवो का ये फ़ोन जो है Y11 और इसके अंदर क्वालकॉम CPU है, तो कैसे इसको अनलॉक करेंगे UMT की मदद से इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़ोन को करेंगे स्विच ऑफ और फ़ोन को पीछे से खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वालकॉम CPU है तो इसके अंदर EDL पॉइंट दिया होगा और EDL पॉइंट शॉर्ट करके ही हम इसे अनलॉक कर सकते हैं। आपको पता नहीं है कि वीवो का मॉडल कौन सा है, तो आप सिंपल से जाके कैमरे से चालू करके इसका मॉडल वगैरह देख सकते हैं। कैमरे में आपको हमने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है, और मैंने इसको पता करने का तरीका ट्रिक लगाया कि हमने स्विच ऑफ किया फ़ोन को और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के केबल लगाया। अगर फ़ोन हमारा कनेक्ट अगर क्वालकॉम CPU होगा तो सीधी सी बात है को रिकवरी मोड में चला जाएगा, और अगर मीडिया टेक होगा तो पोर्ट बना लेगा। तो डिवाइस मैनेजर में जाके आप देख लीजिए कि पोर्ट बना रहा है कि आपका क्या हो रहा है, तो इससे आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना UMT का जो टूल है QCFIR 9.2 का वर्जन, जो अभी लेटेस्ट वाला है, इसको हमने इंस्टॉल किया है। और इंस्टॉल करने के बाद जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक फटाफट से हम पीछे से इसको खोल लेते हैं। और यहाँ पे इसका EDL पॉइंट आप देख लीजिए। EDL पॉइंट देखने के लिए आपको सिंपल सा गूगल पे जाना है, सर्च करना है यहाँ पे इसका मॉडल PD, यहाँ पे नीचे बोर्ड में भी PD वाला मॉडल लिखा रहता है, PD 1930 यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है इसका। तो आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको मॉडल दिख जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट EDL पॉइंट देख लेता हूँ इसका कौन सा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसका जो आपका बैटरी का पत्ता है, बैटरी का पत्ता जब उठाएंगे तो उसमें नीचे की तरफ आपको दो पॉइंट दिखेंगे, और ये फ़ोन आपको बिना बैटरी लगाए ही आपको अनलॉक करना है। तो ये दोनों पॉइंट को हम शॉर्ट करके अनलॉक करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, अब फटाफट से बैटरी का पत्ता उठाएंगे, उसके नीचे एक स्टिकर टाइप का लगा रहता है उसे उखाड़ेंगे, देन उखाड़ने के बाद से हम चिमटे की मदद से उसको शॉर्ट करेंगे और केबल लगाएंगे। इसमें बैटरी का पत्ता नहीं लगा रहना चाहिए, बैटरी बाहर निकला रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं हम पहले इसका मॉडल वगैरह EDL पॉइंट वगैरह अच्छे से। और देखिए वीवो Y11 मॉडल दिखा रहा है। तो हमारा ये टूल है, चूँकि वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है जिसकी वजह से टूल खुलने में थोड़ा समय लेता है, और ये वीडियो की वॉइस ओवरिंग में अलग से कर रहा हूँ, ये चीज़ तो आपको पहले से पता चल चुकी होगी। तो क्या करें, हमारी दुकान में भीड़ भाड़ रहता है, तो हम वीडियो बनाने के बाद घर पर आके आराम से वॉइस ओवरिंग करके आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए और नॉइस वगैरह का सामना न करना पड़े। तो यहाँ पे इतनी मेहनत करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से अच्छी वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना पाएँ। तो ये देख सकते हैं अभी हमारा जो टूल है ये ओपन होने के लिए तैयार है, अभी ओपन होने में थोड़ा समय लेगा, और जैसे ही ओपन होगा इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। ये 9.2 वाला वर्जन जो है थोड़ा सा बदल चुका है, तो अगर आप पुराने वर्जन में देखोगे तो अलग तरीका होगा और इसमें थोड़ा सा अलग तरीका है। हालांकि अनलॉकिंग प्रोसेस जो अनलॉकिंग का है वो सेम ही है, लेकिन टूल में जो चीज़ें हैं वो इधर उधर हो गई हैं, तो आपको वो सब चीज़ें ध्यान से देखना है। ये हमारा टूल ओपन हो चुका है 9.2 वर्जन QCFIR का। यहाँ पे हम गए अपना रीड एंड टूल्स पे, और यहाँ पे हमने वीवो सेलेक्ट किया और इसका मॉडल हम सेलेक्ट कर लेते हैं वीवो Y11, और यहाँ पे हम करेंगे इसका FS एंड FRP। इसमें एक ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट FS जो रहता है ना, अगर इसको आप क्लिक करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी यहाँ फ़ोन डेड नहीं होता है अगर आप फॉर्मेट FS करते हैं तो। और आपको पता होगा UMT क्वालकॉम के मामले में सबसे बेस्ट टूल है, क्वालकॉम CPU के लिए सबसे अच्छा टूल UMT है। और यहाँ पे देख सकते हैं FS किया हमने और यहाँ पे चिमटे की मदद से शॉर्ट करके केबल लगाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोन कनेक्ट हो गया, पोर्ट बना लिया और प्रोसेसिंग हमारा चालू हो चुका है। अगर ये फ़ोन यहाँ से अनलॉक हो जाता है तो आपका 100% समझ लीजिए कि फ़ोन डेड होने का तो 0% रिस्क है, लेकिन अगर यहाँ से नहीं होता है, अगर कहीं और जगह से आप करते हैं, तो थोड़ा सा हर जगह का अपना अपना रिस्क होता है। जैसे FS एंड FRP वीवो का स्पेशल एक आता है, उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोसेस यहाँ तक हो गया है, और यहाँ पे EMMC CPU वगैरह डिटेक्ट कर लिया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस टूल की मदद से भी हम पता कर लेते हैं कि हमारे फ़ोन के अंदर CPU में दिक्कत है कि EMMC में। अगर फ़ोन जिंदा है, चालू है, और अगर आपका फ़ोन कनेक्ट हो रहा है, पोर्ट बना रहा है, तो हमें ये पता चल जाता है कि कहां से एरर आ रहा है। आप एरर के जरिए भी पता कर सकते हैं कि आपका CPU ख़राब है कि EMMC में प्रॉब्लम है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा फ़ोन अनलॉक हो गया, FRP बाईपास हो गया, सब दोनों पे डन दिखा दिया है। तो अब हमारा फ़ोन जो है खुलने में समय लेगा, तो यहाँ पे वीडियो को हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे फटाफट से, और यहाँ पे फटाफट से इसको पैक करेंगे। जब तक ये फ़ोन हमने चालू कर दिया है, फ़ोन अपने आप ऑन होगा,
तो जब तक ये फ़ोन ऑन हो रहा है तब तक इसका हम क्या करेंगे, नट वगैरह सब टाइट कर देंगे। और नट टाइट करने के बाद से मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ोन FRP और इसका पासवर्ड हटा है कि नहीं हटा है। ये UMT जो टूल है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्वालकॉम CPU के लिए, बाकी अदर टूल में भी काम आ जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और अदर फ़ोन भी इसमें अनलॉक होते हैं, MediaTek भी अच्छे से अनलॉक कर लेता है, सारी चीज़ अच्छे से करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्वालकॉम के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मैं मानता हूँ, क्योंकि क्वालकॉम के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन इसमें अनलॉक आसानी से हो जाते हैं। एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे कि इस फ़ोन के अंदर आपने देखा होगा कि अभी जब नया अपडेट आया था सैमसंग का, तो अनलॉक टूल हमेशा अपडेट देने के मामले में आगे रहता है, लेकिन सैमसंग का अपडेट सबसे पहले UMT के अंदर आया था। आपको ध्यान होगा तो क्वालकॉम CPU से रिलेटेड जितने भी फ़ोन हैं सैमसंग के, सबसे पहले UMT ने अपडेट दिया था, जिसमें कि उसको अनलॉक कैसे करना है, कैसे कनेक्ट करना है, सारी चीज़ें बताई थी। बाद में चल के अनलॉक टूल और अदर टूल में भी आया, तो ये खास है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वालकॉम के लिए UMT जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, क्योंकि वीडियो को हमने फास्ट फॉरवर्ड किया था, नहीं तो ये पुराने फ़ोन है बहुत ज़्यादा समय लेते हैं मतलब चालू होने में। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम स्किप नेक्स्ट करके आगे बढ़ाएंगे, और हमारा फ़ोन जो है इसका FRP तो बाईपास हो गया, आपको सामने दिख रहा है, और अनलॉक जो पासवर्ड पहले दिखा रहा था अभी कुछ भी नहीं है। तो हम स्किप नेक्स्ट करके इसका सेटअप कंप्लीट कर लेंगे, और हमारा जो फ़ोन है ये कंप्लीट हमारा चालू हो जाएगा, और अभी हम कस्टमर को इसको दे देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी आप जब फ़ोन अनलॉक कर रहे हैं तो कस्टमर से डिटेल ले लीजिए, उसका आधार कार्ड वगैरह, और ख़ास तौर पे बिल वगैरह मंगा के ही अनलॉक करिए, क्योंकि अभी के डेट में अगर पुलिस से पकड़ में आएंगे तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए कभी भी ये सब चीज़ ध्यान रखिए। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।